तो ये जो मेरे सामने बैठी हुई है ये बेसिकली झारखंड को बिलोंग करती है। इनकी एज 37 ईयर्स है और इनका नाम कर्मिला सोरेन है। इनको एक थोड़ी सी शुगर की प्रॉब्लम भी थी, तो ये हमारा जो है ऑपरेशन जो प्लान था वो करीब करीब 3 महीने पहले था। तो आज जो है इनका बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट है और ये जो है हेयर लाइन जो बनी हुई है ये, और इसका एक्सटेंशन जो है ये यहाँ तक हम लोग जा रहे हैं, ये रेड कलर की जो लाइन है ये, और इसके अलावा ये सेंट्रल पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि इनको यहाँ पर जरूरत नहीं है और ये चाहती भी नहीं है। और एक स्पेशली फीमेल के साथ में एक चीज होती है कि सारे जो हेयर्स होते हैं वो टाई होके पीछे की तरफ आते हैं। तो ये बात मैंने कई बार बोली भी है कि फीमेल्स के अंदर जो है FUE बहुत दिक्कत होती है, तो हम FUT हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो देखिए ये FUT के लिए मार्किंग है और ये हमने जो है ये ट्रिमिंग एरिया किया हुआ है। जब ये हेयर खोल दिए जाएंगे, दोनों साइड में हेयर जो बने हुए हैं, जब ये खोल दिए जाएंगे तो ये अपने आप ऊपर से फॉल करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा। एक सिंगल स्कार लाइन होती है वो पूरी की पूरी ढक जाती है, और सामने के एरिया में भी, क्योंकि हम ट्रिम नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसी एरिया में हमको लगाना होता है। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट चैलेंजिंग होता है लेकिन फिर भी करना है। आपका कोई प्रश्न जो है किसी भी प्रकार का? नहीं, तो हम शुरू करें, प्रोसीड करें। नमस्ते, मैं कर्मिला शरण जमशेदपुर से। मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मैंने बहुत इंटरनेट में सर्च किया, इसके बाद बहुत जगह पे पता भी किए, सर का भी पता किए, और उनका प्राइस भी मुझे रिजनेबल लगे, और यहाँ आने के बाद सर से मिलके और बड़ा कंफर्टेबल लगा, तो मैंने यहाँ पे सर्जरी कर लिए। आज मेरे को डेट मिला था तो सर्जरी हो गया। ड्यूरिंग सर्जरी मुझे किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हुआ, बहुत कंफर्टेबली हो गया, और अभी आफ्टर सर्जरी में बैठी हूँ यहाँ पे, तो मुझे ठीक लग रहा, कंफर्टेबली लग रहा है। यहाँ आने के बाद जब ड्यूरिंग ऑपरेशन था तो यहाँ के जितने भी स्टाफ थे बहुत फ्रेंडली थे, और ड्यूरिंग बहुत लगाई गई, होमली वाला फील आ रहा था, तो ना मुझे पेन फील हुआ ना और अनइजी किसी भी चीज़ का अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ। अगर आपको किसी को भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का इश्यूज है, तो यहाँ आके मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यहाँ आके अपना सर्जरी करवा सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे।